हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ फिर से एक नया वीडियो लेके हैं। आज हमने डिंगो सिमई ली है। ये आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाती है। एक कटोरी सिमई ली है, बिल्कुल बिना तेल का नाश्ता हेल्दी बनाकर रेडी करेंगे। ये हमने सिमई ले ली है। अब हमने ये एक टमाटर चॉप करके लिया है मीडियम साइज का, वो हम इसमें डाल देंगे। एक छोटा सा गाजर का टुकड़ा, एक छोटा सा प्याज, एक छोटा सा टुकड़ा शिमला मिर्च का इसके अंदर हम डाल देंगे। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे। आधी छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स, आधी छोटी चम्मच ऑरिगेनो, टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, टमाटो सॉस, एक छोटा चम्मच चिली सॉस। ये देखिए सारी चीज़ें हमने इसमें डाल दी है और इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, ये नाश्ता खाने में बहुत टेस्टी लगता है। और हाँ दोस्तों, आपसे एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल पर प्रेस और वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। हम अपने चैनल पर इसी तरीके की नई नई और आसान रेसिपी लाते रहते हैं। फ्रेंड्स, आपको हमारे चैनल पर सिर्फ वेज रेसिपीज ही मिलेंगी। ये देखिए हमने बातों बातों में सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया है और हम इसको ढककर थोड़ी देर के लिए सोक करने के लिए छोड़ देंगे। हमारे नाश्ते में अच्छी सी बाइंडिंग आ जाए, क्योंकि हमने सिमई को उबाला तो है नहीं, इसलिए हमने इसके अंदर एक चम्मच सूजी ऐड करी है और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर हम इसका नाश्ता बनाएंगे। ये नाश्ता खाने में इतना टेस्टी लगता है कि आप इसको बच्चों के टिफिन में, लंच में, और कभी कुछ आपका चटपटा खाने का मन हो मार्केट स्टाइल, तो आप इसको इंस्टेंट बनाकर रेडी कर सकते हैं। और बिना ऑयल का नाश्ता है तो ये हेल्दी भी है। तो जब अब हम इसको ये डो हमने रेस्ट करने के लिए छोड़ा था, डो अब हमारा सेट हो चुका है, रेस्ट कर चुका है। हमने अब गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी है। हम ये नाश्ता स्टीम में बनाकर रेडी करेंगे। इस तरीके की हमने एक जाली ली है, उसके अंदर हम बहुत थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे, चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे, ताकि जो हम नाश्ता बना रहे हैं वो नाश्ता हमारा इसके अंदर चिपके नहीं। ये देखिए पानी हमने खोलने के लिए चढ़ाया था, पानी हमारा खोल रहा है। जाली पर हमने ऑयल अप्लाई कर दिया है और अब हम इसकी छोटे छोटे पीसेस तरीके से बनाकर पूरी जाली में सेट कर देंगे। ये देखिए हमने पूरा नाश्ता स्टीम होने के लिए छोड़ दिया है। अब हम इसको हल्का सा टर्न कर देंगे। फ्रेंड्स, आपसे फिर से एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल पर प्रेस और वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। हम अपने चैनल पर डेली इसी तरीके की नई नई और आसान रेसिपी हमने अपने नाश्ते को पकने के लिए छोड़ा था और दोनों तरफ अलट पलट दिया है। अब हम आपको इसको नाइफ इन करके दिखाते हैं कि हमारा नाश्ता अच्छे से पककर रेडी हो गया, पक गया है। ये देखिए दोस्तों, पूरा नाइफ हमने इन किया है, इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। ये पहचान है कि हमारा नाश्ता बन गया है। तो दोस्तों, आप फिर इसको बनाकर देखिएगा और कमेंट में बताना मत भूलिएगा कि आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपको हमारी बनाई हुई ये सिमई की नई रेसिपी कैसे लगी। फ्रेंड्स, हम आपको फिर से याद दिला दें कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल पर प्रेस और वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। हम अपने चैनल पर इसी तरीके की नई नई और आसान आसान रेसिपी लाते रहते हैं। हमारा बनकर रेडी हो गया है, हम इसको प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप इसको बच्चों के टिफिन में, आपके घर में हल्का फुल्का खाने का मन हो, सुबह शाम की हल्की फुल्की भूख में, आप इसको कभी भी बनाकर रेडी कर सकते हैं। ये देखिए हमने इसको प्लेट में ट्रांसफर कर लिया। आप अगर चाहें तो इसके अंदर एक तड़का भी लगा सकते हैं, लेकिन हम तड़का
नहीं लगा रहे आप, हम बिना तड़के के इसको यूज कर रहे हैं, आप तड़का लगाकर भी इसको यूज कर सकते हैं। ये देखिए, देखिए नासा हमने प्लेट में ट्रांसफर कर लिया। अब हम आपको इसको कट करके भी दिखाते हैं कि हमारा नाश्ता कितना अच्छा बनकर रेडी हुआ है। फ्रेंड्स, फिर से आपसे एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल पर प्रेस और वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। ये देखिए हमारा नाश्ता कितना सॉफ्ट बना है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। भाई मैं तो चली इस नाश्ते को इंजॉय करने।